भारत का मिशन चंद्रयान 3 तय वक्त पर काम कर रहा है, प्रज्ञान रोवर मून वॉक कर रहा है, इसरो लगातार उसकी तस्वीरें साझा कर रहा है, विक्रम लैंडर भी अपना काम बखूबी निभा रहा है और प्रज्ञान रोवर के साथ जुगलबंदी दिखा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में विक्रम लैंडर ने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसके बारे में इसरो ने जानकारी दी। दरअसल आपने कई बार धरती पर तो भूकंप महसूस किया, भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन लैंडर ने चांद पर भूकंप महसूस किया है। जी हाँ, दरअसल इसरो ने ही ये जानकारी साझा की है कि विक्रम लैंडर ने चांद पर कुछ सेकंड्स तक कंपन महसूस की है, जिसे भूकंप कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले दिनों जो खोज प्रज्ञान रोवर ने की उसके बारे में इसरो ने आपको जानकारी दी, चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान हो, चाहे वो वहां पर मौजूद खनिजों के बारे में जानकारी हो। लेकिन अभी ताजा जानकारी के मुताबिक विक्रम लैंडर ने कुछ वक्त तक चांद पर कंपन महसूस की है। जैसे कि धरती पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंपन विक्रम लैंडर ने महसूस की है, जिसके बारे में इसरो ने एक ग्राफ के जरिए जानकारी दी है। 26 अगस्त को 5 सेकंड तक इस कंपन को दर्ज किया गया। इसरो की टीम इस कंपन पर लगातार रिसर्च कर रही है, इसे भूकंप के जैसा बताया जा रहा है। विक्रम लैंडर में मौजूद भूकंप मापने का उपकरण ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी हर छोटे और बड़े कंपन को दर्ज कर रहा है। इस उपकरण ने 25 अगस्त को चांद ने जो कंपन महसूस किया उसे भी दर्ज किया गया। इसके बाद 26 अगस्त को 5 सेकंड तक इस कंपन को भी दर्ज किया गया। इसरो फिलहाल इसके कारणों का पता लगा रही है। दरअसल कई बार चांद पर उल्कापिंड गिरते हैं, उससे भी ऐसे कंपन आते हैं। इसके अलावा चांद के अंदर भूगर्भीय गतिविधियों के चलते भी ऐसे भूकंप आते रहते हैं। हालांकि भूकंप जैसे इस कंपन के बीच विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बिल्कुल सेफ हैं और बचे हुए दिनों में जो प्रयोग उन्हें करने हैं उस पर काम लगातार कर रहे हैं। अब जो चांद की भूगोलीय और खगोलीय स्थिति है उसके बारे में भी अहम जानकारी सामने आ रही है। इसरो और चंद्रयान के लिए आज का दिन भी काफी अहम है, क्योंकि आज से देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के लेजर संचालित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS डिवाइस ने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया। साथ ही दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर होने की पुष्टि भी की है। वहीं चांद पर हाइड्रोजन की खोज भी जारी है। अगर ये खोज पूरी हो जाती है तो इसरो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।